सीमावर्ती मोकुर में एक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। तब से कैंप स्थापित किए गए थे नक्सली द्वारा लगातार ग्रामीण को दिग्भ्रमित जानकारी देते हुए कैंप के विरोध करने के लिए उधर प्रदर्शन द्वारा की जा रही थी। लगातार पुलिस एवं प्रशासन द्वारा ग्रामीण को समझाइश देकर कल रात को ग्रामीण वापस गांव तरफ चले भी गए थे। अचानक आज दोपहर में काफ़ी बड़ी संख्या में उधर लोग पहुँचे हैं, उसमें अभी जानकारी प्राप्त हो रहा है जयरोंडा प्लेटून का, जयरोंडा एरिया कमेटी का और अन्य जो फॉर्मेशन के नक्सल कैडर भी ग्रामीण का आर लेकर कैंप तक पहुंचा है। अचानक कैंप के ऊपर हमला शुरू कर दिया थे। इस दौरान जो भी एक्शन हुआ है उसके पश्चात अभी सर्चिंग में 3 डेड बॉडी उस स्पॉट से बरामद हुई। 3 पुरुष का डेड बॉडी है, उसका अभी शिनाख्ती वगैरह की जा रही है। संभवतः मिलिशिया कैडर्स का भी होने का जानकारी है, लेकिन तब तक वो पूरा शिनाख्त नहीं होगा, उसका कंफर्मेशन बोलना मुश्किल होगा। इसलिए अग्रिम 1-2 घंटे में घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलेगा। घटना में जो स्पॉट में अभी सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और सिचुएशन अभी नियंत्रण में है। लगातार इलाके का सर्चिंग की जा रही है, उसमें अन्य कोई आर्म्स अम्यूनिशन या डेड बॉडी और मिलने का या कोई घायल व्यक्ति मिलने का पूरा तस्दीक की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार 3 पुरुष का जो डेड बॉडी बरामद की गई थी उसके शिनाख्ती कार्रवाई अभी की जा रही है। सुरक्षा बल के सभी सदस्य अभी सुरक्षित हैं। अभी कैंप भी अभी स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी अभी लगातार एक्शन और सर्चिंग चल रहा है। थोड़ी देर पश्चात ही अभी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगा। सर, जो मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं या